रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का असर अब दुनिया पर पड़ना शुरू हो गया है। एक तरफ जहां कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब दुनिया भर में गेहूं को लेकर भी किल्लत शुरू हो गई है। लेकिन इन सभी परेशानियों के बीच भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरअसल अब कई बड़े देशों को गेहूं के लिए भारत की तरफ देखना पड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 30% गेहूं निर्यात करने वाले रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं भारत में गेहूं की नई फसल काटने का समय आ चुका है। इस वीडियो में आपको गेहूं का ये पूरा गणित समझाते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारतीय गेहूं की मांग अब पूरी दुनिया में काफी तेज हो गई है, क्योंकि कई देशों को गेहूं निर्यात करने वाले रूस पर प्रतिबंध लग चुके हैं और यूक्रेन अब इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी को गेहूं बेचे। अब इसी बीच ये दावा किया जा रहा है कि पहली बार कई यूरोपीय देश भारत से गेहूं खरीदने की इच्छा जता रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में गेहूं अच्छी मात्रा में पैदा होता है और वो बड़ी मात्रा में इसका निर्यात भी करता है। माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच भारत का ये निर्यात और भी तेज हो जाएगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत मौजूदा समय से करीब 4 गुना ज्यादा गेहूं को निर्यात करेगा। आपको बता दें कि भारत में 15 मार्च से गेहूं की नई फसल की कटाई शुरू होने जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कूटनीति के नजरिए से भी गेहूं भारत को काफी मजबूत कर देगा। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में गेहूं भेजकर दुनिया के सामने एक बड़ी मिसाल पेश की थी और अब दूसरे देशों का भारत के गेहूं पर निर्भर होना भारत के कद को और बढ़ा देगा। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि जो देश कभी बेवजह भारत के गेहूं में कमियां निकालते थे, अब वही देश भारत से गेहूं खरीदने की कोशिश में लग गए हैं। बहरहाल रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच IMF ने एक चेतावनी दी है कि अगर ये संघर्ष बढ़ा तो दुनिया के लिए और विनाशकारी होगा। जानकारी के मुताबिक करीब 8 से 10 महीने के बाद पूरी दुनिया में गेहूं की बड़ी कमी होने वाली है और इस कमी को अब काफी हद तक भारत पूरा कर सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.